मुहिम के हवाले से मीटिंग हुई। इस मौके पर जिला भर के अफसरान के अलावा डॉक्टरों के अलावा पहली बार जिला भर के लोकल बॉडीज के अफसरान ने भी शिरकत की। पहली बार पोलियो मीटिंग में मीडिया को भी बुलवाया गया। इस मौके पर डीसी उमर फारूक बिलो ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए रेंजर्स को भी तलब किया गया था। उनका कहना था कि ये फाटा एरिया नहीं है, शहदादपुर जाम नवाज अली टंडू आदम में पोलियो टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। इस मौके पर पोलियो टीम के इंचार्ज का कहना था कि बच्चे पोलियो के कतरे पीने से कबल ही निशान लगा लेते हैं, जिससे पोलियो पिलाने वाली टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डीसीओ ने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस को रोका जाए। इस मौके पर डीसीओ को बताया गया कि यूसीओस पोलियो मुहिम को नाकाम करते हैं और पोलियो टीम से काम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से पोलियो टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो पा रही, जिस पर डीसीओ उमर फारूक ने इन तमाम एमओस को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। डीसीओ का कहना था कि अब सजा और जजा का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, इस पर अमल भी होगा, पोलियो मुहिम को नाकाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी हवाले से मुझसे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। इशफाक सुलहरी, हम उसी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तबा इस वक्त जिला सांगढ़ के जो पोलियो के अगर हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त सांगढ़ में 400 से ज्यादा पोलियो के रोड मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सांगढ़ के अंदर पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। सांगढ़ रेड जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि सांगढ़ के अंदर 400 से ज्यादा ऐसे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पोलियो पीने से इनकारी है, जिनमें टंडो आदम के अंदर जहाँ पे एक्सीडेंट है, उसके साथ साथ जाम नवाज अली, खिपरो और दीगर छोटे बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो टीमों को जहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अरबों रुपये वर्ल्ड बैंक की जाने से यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ की जाने से यहाँ पर खर्च होने जाने के बावजूद, जहाँ पर एमओ उसको पेट्रोल और दीगर मरा देने के बावजूद सांगढ़ से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो पाया। इसी हवाले से आज जहाँ पर डीसी सांगढ़ उमर फारूक बलो की सरबराही में जहाँ पर जो मीटिंग की गई, इस मौके पर जो बताया गया कि एमओ जो है यूसी एमओ वो जुतावा नहीं करे, इस पर डीसी का ये कहना था कि वो अगर इस तरह की सोचा रही तो सांगढ़ के अंदर रेंजर्स को भी तलब किया जा सकता है, जबकि इनका ये कहना था कि WHO की जाने से जो फंड दिया जाता है उसके लिए भी ऑडिट टीम मुकर्र की जाएगी। और उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ कि सांगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सर कैमोस जो है वो कागजी कार्रवाई पर पोलियो को जो वो टीम को जो कारकर्दगी चेक करें, जबकि डीसी का कहना था कि मुख्तार का रेसी और तमाम स्टाफ जो है वो कैशेस प्रोग्राम के मुताबिक घर घर जाकर इस बात की। बहुत शुक्रिया इशफाक सुलहरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रोज़